नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है अगर आप जो है सैमसंग के डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ सो जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ट्रिक है। और ये ट्रिक जो है एंड्रॉयड ओरियो अपडेटेड डिवाइस पर ही काम करेगी। सो आप देख सकते हो मैं इसमें जो है एंड्रॉयड पाई का जो है होम पेज जो है इसमें इंस्टॉल करूँगा, मतलब कि यूआई एंड्रॉयड पाई का यूआई मैं अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके बताऊंगा। जैसे कि मैंने J5 प्राइम में इंस्टॉल किया है, सो आप देख सकते हैं गूगल बार बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, राउंड में हो चुका है। और इसमें जो है मैंने एंड्रॉयड पाई का जो यूआई है वो मैंने इसमें जो है इंस्टॉल किया है, सैमसंग एक्सपीरियंस 10। सो काफ़ी लेटेस्ट है। सो आप सेटिंग पे जाके देख सकते हो, इसका सेटिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जो मेरे पास से J7 नेक्स्ट है उसमें भी देख सकते हो आप, इसमें जो है होम स्क्रीन आपकी जो है वो आपकी 9 है और उसमें जो है 10 एक्सपीरियंस 10 है वो आप यहाँ देख सकते हो। एंड्रॉयड एक्सपीरियंस 9.0 है और उसमें जो है एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपका 10.0 है। सो आप 10.0 जो है सैमसंग एक्सपीरियंस कैसे इंस्टॉल करोगे, सो मैं पहले ही बता दूँ, ये जो 10.0 एक्सपीरियंस है यूआई है ये उन्हीं डिवाइसेस में इंस्टॉल होगा जिनमें जो ओरियो अपडेट आ चुका है। सो 8.0 हो या फिर 8.1 हो, उन्हीं डिवाइसेस पे जो है ये इंस्टॉल होगा। सो मैंने जो है J5 प्राइम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और मैं आपको J7 नेक्स्ट में इंस्टॉल करके बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कि इंस्टॉल करना है और कैसे करना है और उसके बाद कैसे सेटिंग्स करनी है इसकी। सो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखते रहिए पूरा। सो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा कि कैसे जो है सैमसंग एक्सपीरियंस UI जो है आपका 10 कैसे इंस्टॉल करना है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। सो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी जो है इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो मैं इसको डाउनलोड करके बताऊंगा। आप इसे डाउनलोड करने के बाद एक और सेटिंग है उसको करना पड़ेगा, लेकिन आप का जो है आपको मेरे को वीडियो जो है आपको मेरा पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको जो है पता चलेगा कि कैसे जो मैंने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करना ईजी है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो काफ़ी टफ है, इसलिए आप जो है मेरा वीडियो देखते रहिए उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने होम स्क्रीन पर जो है होम पेज सॉरी होम बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये दो ऑप्शन आएंगे, आपने सैमसंग एक्सपीरियंस होम सेकंड वाला जो है चूज़ कर लेना है, फिर आपने वेट करना है। सो ये अप्लाई होगा आपके फ़ोन पर, ये जो है अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद जो है आपकी स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी, होम पेज ऐसे दिखाई देगा। सो आपने जो है सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद अपने विजिट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने जो है यहाँ से जो है क्लॉक को उठाना है, जो यहाँ पे क्लॉक है सैमसंग की वो यहाँ पे उठा के रखनी है आपने यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि ये दोबारा हट जाएगा जब आप इसको यहाँ होम इसको जो UI को आप इंस्टॉल करोगे तो आपसे फ़ोन से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपको दोबारा यहाँ पे मैनुअली सेट करना पड़ेगा। सो ये उसके बाद आपने जो है यहाँ पे गूगल बार को निकालना है यहाँ से। सो गूगल बार को सर्च करना है यहाँ से, फिर वहाँ से जो है विजिट से जाके आपको दोबारा से उठा के आपको होम स्क्रीन पे लाना है। सो आप देखते रहिए वीडियो कैसे करना है। सो काफ़ी कमेंट्स आते हैं बाद में कि भाई मुझे पता नहीं चला या नहीं हो रहा है डिवाइस में। सो देख सकते हो ये देखो राउंड में जो है आपका गूगल बार भी आ चुका है, जो कि आपके एंड्रॉयड 9.0 या 9.1 पे नहीं आता है सैमसंग एक्सपीरियंस पे, लेकिन 9 आपका 10 एक्सपीरियंस पे जो है राउंड गूगल बार भी आ चुका है। सो इस तरह आप अपने फ़ोन पे जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हो, बस आपका फ़ोन जो है एंड्रॉयड ओरियो पे जो है अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेरे पास जो J7 नेक्स्ट है ये एंड्रॉयड ओरियो पे वर्क करता है और J5 प्राइम भी मेरा जो है ओरियो पे वर्क करता है। सो आप देख सकते हो मेरे में जो है सैमसंग एक्सपीरियंस UI 10 जो है इंस्टॉल हो चुका है। सो आप भी जो है इजीली इसे जो है अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सो आप वहां से जो है इसे उठा सकते हो और आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आप इंस्टॉल करके देख सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस जो है हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।